खिचड़ी द फूड चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ पार्टी करने अपने लिटिल शेफ एरिक के घर से। हाय एरिक। हेलो एरिक, से आप मिल चुके हैं। खिचड़ी द फूड चैनल के लिटिल शेफ है और ये हमारे फूड ब्लॉगर भी है जो मेरे साथ करते हैं खिचड़ी द फूड चैनल में ब्लॉगिंग। तो आज हम पार्टी करने वाले हैं और एरिक मेरे लिए बनाने वाले हैं हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो कैसे बनाओगे एरिक? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए आपको हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ बॉइल्ड आलू। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अदरक है कॉल्ड जिंजर, ये रहा सफ़ेद तिल, कॉर्नफ्लोर और ये है गार्लिक, प्याज और 3 टाइप्स के मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं शिमला मिर्च। ओके, सो ये रहा येलो, रेड और ग्रीन। अब मैंने यहाँ पे हनी लिए है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स हनी चिली पोटैटो। और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है जो बारीक कटा हुआ है ये। हाँ ओके, और ये मैंने लिया है टोमेटो केचप, चिली सॉस और सोया सॉस। ओके, अब मैंने 3 तरह की सॉस आप इसमें डालने वाले हैं। हाँ ओके, मुंह में पानी आ रहा है मेरे पास, मुझे तो अभी से ये इंग्रेडिएंट्स देख करके आई एम वेरी एक्साइटेड कि एरिक इसको कैसे बनाने वाले हैं। और ये सब क्या है एरिक? दीज आर टॉपिंग्स। तो अभी टॉपिंग्स के लिए जैसे वहाँ पे सेसमे सीड्स है, यहाँ पे भी चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के शिमला मिर्च लिए हैं, पहला है येलो एंड दिस इज ग्रीन। ओके, तो ये वाला जो सामान है जब हम बना लेंगे हनी चिली पोटैटो उसके बाद हम उसको अच्छे से गार्निश करेंगे इन सब के साथ में, यानी डिश स्वादिष्ट भी होने वाली है और दिखने में खूबसूरत भी। तो चलो अरे फटाफट से बनाओ हमारे लिए हनी चिली पोटैटो। अब ये हम मैंने आलू काटे हुए हैं हाफ बॉइल्ड, जो मैंने आपको बताए थे, इसको फ्रेंच फ्राइज जैसे काटे हुए हैं। हाफ बॉइल्ड मतलब पानी में 5 मिनट डालकर पानी, हाँ। एक सीटी भी अगर डल वाले कुकर को, हाँ। या सीटी के बिना करना है? कैसे हाफ बॉइल्ड करें? जैसे आपका एक पैन है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो 1 कप, एंड देन जो भी आपने आलू को ऐसे शेप में काटे हैं उसको डाल के 5 मिनट्स के लिए बॉइल करके बाहर निकाल दो। ओके, तो 5 मिनट के लिए आलू को फ्रेंच फ्राइज वाले कट में डालने के बाद 5 मिनट बॉईल करना और निकाल लेना। उसके बाद इस तरह के आपको पोटैटोज मिलेंगे जो अब एरिक बनाने, अब इसको आप डीप फ्राई करेंगे। हाँ, मैं अब डीप फ्राई। तो अब एरिक इसको बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा एरिक। सिर्फ 5 मिनट में, हाँ क्विकली सिर्फ 5 मिनट में आपके लिए बना देंगे हनी चिली पोटैटो। तो एरिक बनाकर दिखाइए फटाफट। हाँ, तो सबसे पहले ये हमारा तेल है, हम इसको गर्म करने के लिए छोड़ देंगे और इसको हम लो फ्लेम में रखेंगे अभी। ओके, ठीक है। उसके बाद जब हम पकाएंगे तो फिर थोड़ा सा हम इसको हाई कर देंगे जब पकाने के लिए जाएंगे तब। सो अभी उससे पहले हम थोड़ी सी सॉस की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सो हम जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक आप सॉस की तैयारी कर रहे हैं, राइट? या तो अभी मैं यहाँ पे तेल लूँगा और ये कुकिंग ऑयल मैं डाल दूँगा। ओके, नाउ आपको लेना होगा जस्ट 1 स्पून ऑफ ऑयल। या जस्ट 1 स्पून। अब आज मैं आपको हनी चिली पोटैटो बनाना सीख रही हूँ, एरिक मुझे सिखा भी रहे हैं और मुझे खिलाने भी वाले हैं क्योंकि मैं पार्टी करने आई हूँ एरिक के साथ। ये अच्छा। थोड़ी सी जिंजर, हम जिंजर डाल देंगे। ओके, बारीक कटी हुई अदरक डाल रहे हैं आप। पहले 1 चम्मच ऑयल डाला है आपने अंदर 1 स्पून और उसको थोड़ा गर्म होने दिया। या हमें पहले इसको मतलब इतना पैन गर्म होना चाहिए, तो ऑयल को गर्म करना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा गार्लिक लूँगा 1 स्पून जितना मैंने जिंजर डाला। ओके, तो बराबर बराबर जितना अदरक डाला उतना ही लहसुन डाला आपने। या और उसको अब आप ऑयल के अंदर थोड़ा सा रोस्ट करने वाले हैं। या ओके, हमारी गार्लिक हो गए हैं ब्राउन। अच्छा, गार्लिक और जिंजर, हाँ दोनों ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद अब आप इसमें अनियंस डालूंगा। ओके, प्याज डाल रहे हैं, ठीक है। ये एक प्याज था जिसको आपने छोटा छोटा काटा था। हाँ, और ये एक कटोरी प्याज, ठीक है। या हम ये 3 टाइप ऑफ कैप्सिकम डालेंगे, ग्रीन, रेड एंड येलो। ओके, ये भी 1 कटोरी है।
हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस लेना है। ओके। और यहाँ पे एक ढक्कन डाल देना है। अभी से इसकी खुशबू आने भी शुरू हो गई है, जिस तरह से इसका पेस्ट तैयार हो रहा है तड़के के लिए, और उसकी खुशबू आ रही है, धुआं आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं पैन में गर्मा गर्म तड़का तैयार हो रहा है, एवरिक लगा रहा है। अब डालेंगे हम चिली सॉस। ओके, सो चिली सॉस हम डाल देते हैं, 1 स्पून के आसपास डालना है। ओके, या तो इससे वो रेड कलर आता है हनी चिली पोटैटो का। या और आप सॉस भी डालोगे, वो सॉस मैं लेता हूँ। ओके ओके, अभी हम यहाँ पे टोमेटो केचप ज़्यादा डालना होता है, वरना टेस्ट नहीं आएगा, सो आप ज़्यादा डाल दो टोमेटो केचप। और यहाँ पे अब इसका कलर रेड हो चुका है, आपने देखा जैसे कि यहाँ पे अभी भी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि साइड साइड पे आपका सोया सॉस रह गया है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर सेसमी सीड्स डालेंगे, कॉल्ड सेसमी सीड्स। अगर सेसमी सीड्स डालोगे तो ही क्रंच आएगा आपको। ओके, बेसिकली और दिखने में भी सुंदर लगेगी डिश। हाँ, लेकिन जब आप ऊपर से डालोगे, गार्निश करोगे, तब वो अच्छी लगेगी। अच्छा, और ये टेस्ट में आएगी। हाँ, टेस्ट में तो और भी अच्छा आएगा फिर। Okay. आप देख सकते हो जैसे हनी चिली पोटैटो में ऐसे छोटे छोटे सीड्स दिखते हैं, वैसे दिखने आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे मिक्स कर दिए, अब हमें हनी चाहिए। ओके, टेक अ स्पून, और मैं स्पून के हिसाब से हनी डाल दूँगा। 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर रहे हैं आप इसमें? हाँ, नो, 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, ओके, 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये ऑब्वियसली हनी चिली पोटैटो है तो इसमें स्वीट भी आना चाहिए। या तो ये हो गया है सॉस रेडी, और इतनी देर में आपका तेल भी गरम हो चुका है, आई गेस। या तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है, तो अभी इस तेल के अंदर आप पोटैटो फ्राई करने वाले हैं? हाँ, मैं अभी पोटैटो फ्राई करने वाला हूँ। लंबे लंबे मैंने फ्राइज लिए हैं, और उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। और आप हिसाब से लेना, जितने आपने फ्रेंच फ्राइज लिए हैं उसके हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डालना। तो बेसिकली जब भी हम बनाते हैं हनी चिली पोटैटो तो वो क्रिस्पी होते हैं, क्रंची होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसे सबसे पहले तो काट के हाफ बॉइल किया जाता है, जिससे उसका स्टार्च निकल जाता है और उसमें लचीलापन खत्म हो जाता है। उसके बाद ऐड करते हैं हम उसमें कॉर्नफ्लोर, जिसके साथ जब हम उसको फ्राई करते हैं तो उसका क्रिस्पीनेस जो है वो बना रहता है। तो अभी जहाँ पे मैंने कर दिया है कॉर्नफ्लोर के अंदर, आपने इसको अच्छे से रोल कर दिया है पोटैटोस को, ठीक है। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा ताकि ये अच्छे से मिक्स होके फ्राई करने के लिए जाए। सो अब मैं इसको तेल के अंदर डाल देता हूँ। वेरी गुड। तो एरिक का इसको फ्राई करने का तरीका भी बहुत ही लाजवाब है, छोटे बच्चे हैं, डीप फ्राई करते हुए हाथ जल जाता है तो ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने सबसे पहले उसको करछी के ऊपर को आलू को रखा, और बाद में उसको डीप फ्राई के लिए इस तरह से डाल दिया। वेरी गुड एरिक, आई एम वेरी इम्प्रेस, थैंक यू। अभी हमने आलू को फ्राई कर चुके हैं, और अभी मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सजा दिया है, और हमारा ग्रेवी भी तैयार है। तो अब हमें बस इसको मिक्स करना है ताकि हमारी हनी चिली पोटैटो रेडी हो। वाओ, यानी हनी चिली पोटैटो तैयार हो गया है, सिर्फ 10 सेकंड्स और बाकी हैं। चलो फटाफट से बताओ हमें। तो अभी मैं इसको पहले थोड़ा सा गार्निश करूँगा इसके ऊपर डाल के। ओके, अभी मैं डालूँगा अच्छे से इसको, तो मैं इसको अच्छे से सॉस के साथ लगा दूंगा, और फिर मैं इसके ऊपर गार्निश डालूंगा, वो भी सेसमी सीड्स और शिमला मिर्च के साथ। ठीक है, तो ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने लिए हैं सेसमी सीड्स, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इसके साथ कर दूंगा गार्निश। और अभी मैं लूंगा ये वाले शिमला मिर्च, जो कि मैं इसके ऊपर से डाल दूंगा।
इसके साथ और थोड़े से मैं येलो वाले भी लूंगा। और ये हमारा हो चुका है रेडी हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो रेडी हो गया है। सिर्फ 5 मिनट में लिटिल शेफ ने पार्टी के लिए हनी चिली पोटैटो तैयार कर दिया है। तो ये आप फ्रीक्वेंटली बनाते हो आपके घर जो भी पार्टी करने आते हैं उसके लिए? हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स, जब भी कोई मेरा फ्रेंड आता है या फिर जब भी कोई गेस्ट आता है घर में, तो फिर मैं ही बनाता हूँ। वाह यार, एरिक की मम्मी तो बहुत ही लकी है और मैं भी लकी हूँ क्योंकि आज एरिक ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है हनी चिली पोटैटो। तो अब मैं हनी चिली पोटैटो टेस्ट करने वाली हूँ और देखते हैं एरिक ने कैसे बनाया है। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है, सॉस है, अच्छी खुशबू है और अब मैं इसे लाजवाब टेस्ट। हनी चिली का फ्लेवर है लेकिन कम है, हनी का फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सॉस जैसे ही मुंह में जा रही है इसका स्वाद इतना चटपटा है कि मुंह में पानी आ रहा है। तो आपने अगर अभी तक हनी चिली पोटैटो घर में ट्राई नहीं की तो एरिक की ये रेसिपी आप सीख सकते हैं। एरिक, कितने मिनट में बनाया आपने ये? Only in 5 minutes। और पार्टी तैयार? पार्टी के लिए, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घर में ये बन जाएगा और इजीली आप इसे बना सकते हैं। वेल, आप अगर ये रेसिपी घर पर ट्राई कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। एरिक, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।